हमको भी न्योता मिल गया राम मंदिर का। आज अल्लाह अर्ची थोड़ी देर पहले इन अक्षतों को अपने मंदिर में रख देना और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइज, हम सब भी बहुत अच्छे हैं, ठंड भी बहुत अच्छी है और सुबह सुबह हम लोग बैठे हुए हीटर के आगे क्योंकि बाहर है ना, निकलने जैसा हो ही नहीं रहा है, बहुत धुंध हो रही है। आप बोल रहे हो कि सुबह सुबह हीटर के आगे बैठी है और ये आज इतना कोहरा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। देखो नीचे भी पूरा कोहरा ना गिरा हुआ, पिघल पिघल के, देखो पूरे गेट गीले हो रहे हैं, सड़क गीली हो रही है, गलियां गीली हो रही है। ये देखो आज तो मतलब एकदम वाइट हो रहा है, एकदम वाइट, विजिबिलिटी है ही नहीं। सो गाइस, इसलिए मैं बाहर नहीं आई क्योंकि ठंड बहुत है, हीटर लगा रखा है, वहीं पे बैठे हुए सारे। और आज है लोहड़ी और मकर संक्रांति शायद कल है, आज है कुछ पता नहीं, गड़बड़ सा हो रहा है। तो चलिए, आप सभी को हम सब की तरफ से हैप्पी लोहड़ी और हैप्पी मकर संक्रांति। खूब अच्छे से इंजॉय कीजिए, ठंड में मूंगफली खाइए, रेवड़ी खाइए। चलिए गाइस नाश्ता करते हैं, पराठे बना रखे मेथी के आज हमने। चलो गाइस, सारा काम हो गया ख़त्म, टाइम हो गया है 11, फाइनली धूप आने ही वाली है बस कुछ ही देर में। चलो, इनकी भी ड्यूटी का टाइम हो गया। सूर्य भगवान जी आ गए हैं, फाइनली धूप आ गई है। अम्मा की और खुशी की बहस हो रही है कि इसमें मूली बो रखी है कि क्या बो रखी है। देखो ये वाला पत्ता दिख रहा है आपको, ये वाला। अम्मा बोल रही है मूली नहीं है, राई है। खुशी बोल रही है मूली है। गाइस, हम बना रहे हैं टमाटर प्याज की चटनी, रोटी। चलो चलते हैं, खुशी ने कर दिया काम चालू, मैं आटा गूंद देती हूँ जल्दी से। यहाँ पे बन चुका है खाना, यहाँ पे हो रहा है पानी गर्म क्योंकि आज ठंडी है, और यहाँ पे है पनीर, यहाँ पे है क्या है मम्मी, ये टमाटर प्याज की चटनी, ये है टमाटर प्याज की चटनी, और ये है तड़का लगा के रोटी। और यहाँ पे खुशी यही मम्मी, यहाँ पे बर्तन धो रही है। अरे रही दादी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हमको भी आ गया निमंत्रण राम मंदिर का, अभी मैं दादी को दिखाती हूँ। ये देखो आ गया, हमारे को भी मिल गया था राम मंदिर का। हाँ, आज अल्लाह अर्ची थोड़ी देर पहले। देख खुशी, तभी तो मेरे को नींद नहीं आई उसके बाद। क्यों? सोए नहीं से फिर एकदम से वो आएगी ना, फिर मैं गई हूँ बिहार। ले ये चावल भर रहे थे पैकेट में, बोल रहे थे इन अच्छे ये अक्षत हैं, जो इन अक्षतों को अपने मंदिर में रख देना और जब 22 तारीख को उनकी स्थापना होगी उस दिन सुबह नहा धो के मंदिर में छड़क देना, रसोई घर में, पूरे मकान में, जहाँ तो हमारे पैसे वैसे रहते हैं वहाँ ऐसे छड़क देना बोल रहे थे, लेकिन वो मंदिर में धर दिया था ना। चलो गाइस, हमको भी आ गया न्योता राम जी का, राम जी का न्योता आ गया। दादी चली गई मंदिर में रखने के लिए। गाइस, आप लोगों के पास भी आ गया क्या ये राम मंदिर का जो निमंत्रण है, अक्षत है, येलो जो चावल आ रखे, पीले वाले, हल्दी वाले चावल, आपके घर भी आए हैं क्या? अगर आए हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा या फिर जय श्री राम लिख दीजिएगा। जय श्री राम। गाइस, खुशी भी आ रही है हमारे साथ आज, तो चलिए खुशी को भी ले चलते हैं और थोड़ा सा टहल के आते हैं, है ना। आज धूप बड़ी अच्छी लग गई और एक अच्छा काम और हो गया, राम जी का न्योता आ गया हमको राम मंदिर का। देखो आज लोहड़ी है ना, तो सबने अपने घर के आगे थोड़ा थोड़ा जलाया हुआ है, सबने जलाया। ये देखो गाइस, यहाँ पे भी जला रखा है। गाइस, हम लोग आ गए हैं बाहर, आज दूसरी जगह आए हुए हैं। देखो अम्मा जिद कर रही है, इधर को चलो, इधर को चलो, एक नाली की तरफ, तो इधर ही को चल रहे हैं आज। ये देखो गाइस, इधर सारा अभी खेत में बो रखा पर हो नहीं रखा, मेथी मेथी बता रही अम्मा, इसको पता नहीं। और ये गोभी है गाइस, इधर से बहुत सारे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। देखो गन्ना नहीं काट रहा, गन्ना गाइस खुशी बोल रही है, यहाँ तो फल फ्रूट का पेड़ नहीं है, मैंने कहा तेले सेब के पेड़ लगेंगे। गाइस ये देखो, ये घास के ना गोल छोटे छोटे ये हो रखे हैं, इनको हमारे पहाड़ी में बोलते हैं बोट, घासा बोट।
दाथुल दराती अलग अलग जगह में अलग अलग बोलते हैं। गाइस सरसों पे देखो फल आ गया, यही ये लटक गया, देखो झूल गया ना नीचे। क्या हुआ? नहीं ये आलू है। आलू है ये? कहते हैं माँ का मूली आलू दिख रहा है। सॉरी 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 मूली है। सॉरी हाँ ये मूली है क्या? ये मूली है, धनिया है, ये देखो सारा। इवन कुर देखम तो कुर कतो हरी हो, कुर कतो हरी हो, चाहो को खा सकते हैं। देश पहाड़ सब कुरी कुर है। कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं तीनों के तीनों। गाइस हम अब घर की तरफ जा रहे हैं, हमने घूम लिया है, मम्मी कैमरामैन बनी हुई है। तो कैमरामैन हुई आज, खुशी ने भी खूब घूम लिया, खेत वेत देख के आ गए है ना। अब 2 महीने तक कोई मुझसे कुछ नहीं कहेगा। हेलो गाइज आ गए घर पे, आ गए। सो गाइज कान्हा जी आ गए हमारे, उनके वहाँ हुआ सेलिब्रेशन लोहड़ी का, और वो रेवड़ियाँ, क्या बोलते हैं, रेवड़ी लेके आए। कान्हा जी ये ले रेवड़ी खा ले, दे दे अम्मा को थोड़ा। ओहो बाहर तो ठंडी है, क्या हवा चल रही है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी। लो आ गए गाइस, टाइम हो गया है 12, रोज की तरह 12 बज जाते हैं। और आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, क्योंकि आज हमारे घर भी राम जी का जो निमंत्रण था वो आया है, और राम जी के आशीर्वाद के रूप में वो अक्षत आए हैं हमारे घर में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आशा करती हूँ आपके घर भी पहुँच चुका होगा, और अगर नहीं पहुँचा तो जल्द ही पहुँच जाएगा राम जी कृपा से। तो गाइस आज का दिन बहुत अच्छा था, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।